दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में गाय से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं। उन उपायों को करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में गाय को पूजनीय माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी माना गया है। 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। गाय की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है ऐसा व्यक्ति। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे बड़े ही विस्तार से। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे ना हो। दोस्तों, जब भी घर में आपके खाना बनता है तो सबसे पहले आप पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकालें। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है, घर में वैभव आता है। गाय की पूजा करने वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं सोता है, कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आती है। तो आप सबसे पहले जब भी अपने घर में खाना बनाते हैं तो गाय के लिए पहली रोटी अवश्य निकालें और उसी दिन गाय को वह रोटी खिला दें। जब कभी भी अवसर मिले तो आप गाय की सेवा करने अवश्य जाएं, किसी गौशाला इत्यादि में थोड़ा समय आप गाय के साथ बिताएं, गाय को सहलाएं, गाय की पूजा करें। ऐसा करने से मानसिक चिंता और तनाव दूर होता है। इसके बाद संतान प्राप्ति के लिए हम आपको बता दें, अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो गाय के नवजात बछड़े की सेवा करें, उसकी पूजा करें, अपने हाथ से उसे खाना खिलाएं, उसके साथ खेलें। पर ध्यान रखें, उस बछड़े को आप बांधे नहीं, खुला ही खेलने दें। आपकी संतान प्राप्ति की कामना भी गाय के बछड़े की सेवा करने से बहुत जल्द पूर्ण होगी। अगर कभी भी आपको ऐसी गाय मिल जाती है जो बीमार है या कहीं से टूट गई हो, गिर गई हो या भूखी है, तो आप उसे हरा चारा और गुड़ अवश्य खिलाएं, उसकी सेवा करें, उसका इलाज अवश्य कराएं। गाय का आशीर्वाद सभी संकटों को टालता है, मिटाता है। अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो आपके द्वारा की गई सेवा कभी खाली नहीं जाती है। आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म लौटकर अवश्य आएंगे। आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं देखना पड़ेगा। आपके घर कभी भी नेगेटिविटी का प्रवेश नहीं होगा और लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, यदि आप गाय की सेवा हर रोज करते हैं तो। यदि आप गाय की सेवा करते हैं, गाय को हरा चारा खिलाते हैं, गाय को गुड़ खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, इसके साथ साथ आप गाय को सप्ताह में एक दिन या गुरुवार के दिन फल खिलाते हैं, तो आपके द्वारा की गई सेवा का फल आपको गाय माता जरूर देगी। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।